दोस्तों नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन सेम खबर है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अभी कुछ देर पहले ही, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बड़े मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, मनीष सिसोदिया, वो लाइव आते हैं और एक बात कहते हैं कि दिल्ली में कुछ बड़े ऐलान किए जा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली में जो पीक लेवल आना था वो आ चुका है और अब केसेस नहीं बढ़ेंगे और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं घटाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप सब जानते हैं, दिल्ली में हमेशा से ऐसा होता आया है कि LG वर्सेस केजरीवाल, उपराज्यपाल वर्सेस केजरीवाल, वर्सेस मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में मनमुटाव हमेशा से देखने को मिला है। इन दोनों में जो डिसीजंस हैं उनमें काट की जाती है, कभी उनके फैसलों को सरकार नहीं मानती, सरकार के फैसलों को वो नहीं मानते। तो यहाँ पर दिल्ली में हमेशा से ये होता दिखाई दे रहा है। आज भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ देर पहले ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा या डेढ़ घंटा, अभी से एक डेढ़ घंटा पहले दिल्ली सरकार के बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया लाइव आते हैं और वो कहते हैं वीकेंड लॉकडाउन हटा देंगे। वो कहते हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ जो है OD1 फॉर्मूला है वो हटा देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, मार्केट नॉर्मल तरीके से खुल सकेगी। लेकिन अभी अभी एक बड़ा बयान उपराज्यपाल की तरफ से आया है, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि अभी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। साफ तौर पे कह दिया गया है, केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव को LG ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर है, आप लोगों को मैं बता दूं इस वक्त। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो सुन लीजिए पूरी, उसके बाद जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो भी मैं आप लोगों के लूँगा। देश की राजधानी में कोरोना का प्रकोप भले ही कम हो चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार का जो फैसला लिया गया है वीकेंड लॉकडाउन का और साथ साथ बाजारों को ओड इवन तरीके से नहीं खोलने का, उस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाजार को पूरी तरीके से खोलने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे बात कह दी है कि केजरीवाल सरकार की इस बात को नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब तय है कि दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू एज इट इज़ रहेगा। शनिवार कल है, रविवार परसों है, मतलब कि मार्केट बंद रहेंगी और सोमवार से ओड इवन तरीके से फॉर्मूला से खोली जाएंगी दुकानों को। तो ये खास तौर पर कह दिया गया है। लेकिन एक बात मान ली गई है LG की तरफ से, दिल्ली सरकार की एक बात को मान लिया गया है, वो है 50% कैपेसिटी के साथ प्राइवेट ऑफिसेज को खोलना। प्राइवेट ऑफिसेज जितने भी हैं पूरे दिल्ली में 50% कैपेसिटी के साथ अब वो खोल पाएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, LG और केजरीवाल सरकार के बीच में हमेशा से ऐसा होता आया है, इनके दोनों के नाम के बीच में वर्सेस लगता दिखता है। वर्सेस का मतलब है कि कंपटीशन होता दिखता है, एक पूरे तरीके से इनकी काट होती दिखती है एक दूसरे की, जिसके चलते सियासत एकदम से दिल्ली में गर्मा जाती है। क्योंकि इस पे मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, यहां पर दो बड़े कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये फैसला जो वापस लिया गया है और LG की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से, जो दिल्ली सरकार के इस फैसले को नहीं माना जा रहा है, उसके दो बड़े कारण हैं। पहला, उन्होंने तो ये बात कह दी, उनके मंत्री ने तो ये बात कह दी कि दिल्ली में पीक लेवल आ चुका है। अगर दिल्ली में पीक लेवल आ चुका है तो BJP सरकार जो लॉकडाउन लगाना चाह रही है आगे चुनाव में, जो बड़े ऐलान करने जा रही है कि लॉकडाउन लगेगा या जो भी होगा, ऐसा हो सकता है सूत्रों के हवालों से जो खबर है, तो उस पर रोक लगा दी जाएगी, उस पर पाबंदी हो जाएगी। और अगर कोरोना ही नहीं होगा तो फिर डर किस बात का और लॉकडाउन किस बात का। तो BJP सरकार, हो सकता है इसमें बहुत बड़ा हाथ हो उनका, और BJP भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनकी जो कोर कमेटी है, ऊपर की जो टीम है, उनकी तरफ से हो सकता है इसमें पूरा दखल हो। और ये भी हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं 5 स्टेट में चुनाव हैं, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक लॉकडाउन रहेगा, अगर लॉकडाउन रहेगा तो फिर दिल्ली में लॉकडाउन क्यों हटाया जा रहा है। और अगर दिल्ली में लॉकडाउन हट गया तो सभी लोग उंगली उठा करके खड़े हो जाएंगे, ये कह देंगे कि जब दिल्ली में नहीं है तो यहाँ पर क्यों है। तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर दिल्ली राजधानी है, अगर वहाँ पर ही पीक लेवल आके जा चुका है, तो हमारे शहरों में, हमारे स्टेट में अब क्यों आ रहा है पीक लेवल।
तो ये बड़े सवाल थे जो आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं इस वक्त। लेकिन खास तौर पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में एक बार फिर से बड़ी भिड़ंत हो चुकी है और उनके बीच में एक बार वर्सेस फिर से लग चुका है। वर्सेस का मतलब है कॉम्पिटिशन। उनके फैसलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया है, उनकी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है और वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटाया जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू अभी एज इट इज़ रहेगा और साथ साथ जो बाजारों में ऑड इवन तरीके से फॉर्मूला हटाया गया था, पूरे मार्केट को खोला गया था, ऐसा नहीं होगा। अभी उपराज्यपाल की तरफ से खास तौर पे कह दिया गया है कि ऐसा नहीं होगा। अनिल बैजल का भी अभी एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कह दिया गया है कि दिल्ली में अभी कोई भी बड़ा डिसीजन जो ये केजरीवाल सरकार बता रही है इसको हम खारिज करते हैं, डिनाई करते हैं और हम इस फैसले को मंजूरी नहीं दे सकते, ये ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से एक ऐलान जारी होता है या उनके मंत्री पद की तरफ से एक ऐलान जारी होता है और उपराज्यपाल मना कर देते हैं, तो क्या इनके बीच में आपस में जो है आज भी वही मनमुटाव जारी है? आज भी इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? आज भी हो सकता है इस वाले डिसीजन में बीजेपी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सूत्रों की माने तो यही कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 5 स्टेट में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉकडाउन रहेगा, कोरोना का रहेगा, और जब कोरोना रहेगा तो लॉकडाउन लगा करके अच्छे तरीके से रैलियां की जा सकती हैं, सब कुछ किया जा सकता है और सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाले जो ओपोजिशन है उन पर बड़े बड़े मुकदमे भी लगाए जा सकते हैं, तो ऐसा सूत्र कहते हैं। आप लोगों की इसमें क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के फैसले को या एक सरकार के फैसले को उपराज्यपाल मना कर रहे हैं या उपराज्यपाल के फैसले को सरकार मानने से मना कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पर कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ भी हो सकता है, सियासत जो है गर्मा चुकी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है, अभी तक की अगर बात करें तो ये कहा गया है कि ना तो वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा और ना ही ओड इवन फॉर्मूला हटाया जाएगा, जो चल रहा था वैसे का वैसे चलेगा, लेकिन एक सरकार की बात को मान लिया जाएगा, वो है 50% कैपेसिटी के साथ ऑफिसेज को खोलना। जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं 50% कैपेसिटी के साथ आप खोल सकते हैं, 50% आपके एम्प्लॉई जो है ऑफिस आ सकते हैं और 50% घर से ही काम करेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जल्द आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू सो मच।